Moving on now, the National Investigation Agency has made its sixth arrest in the Pune ISIS module case. The NIA has on Friday arrested the son of convicted terrorist Saqib Nachan, Shamil, for his active involvement in promoting terrorist activities. In fact, Shamil was accused of being involved in the fabrication, training and testing of improvised explosive devices for terrorist activities. He was in fact working along with five other accused, and all the accused were members of an ISIS sleeper module. On this particular module, operated from a house in Pune's Kondwa, and the accused used to assemble IEDs and even organized and participated in bomb trainings in that same house. देखिए एनआईए ने इससे पहले खुद ने जो गिरफ्तारियां की थी जिसमें एक आकिफ नाचन का नाम शामिल है, डॉक्टर अदनान अली सरकार का नाम शामिल है और इसके अलावा जो कुछ गिरफ्तारियां जो एटीएस ने की है जिसमें मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद इमरान ये जो नाम है ये शामिल है, इसमें जुल्फिकार बगोड़ा वाला ये जो नाम है एक कॉमन नाम है जिसे पहले एनआईए ने गिरफ्तार किया था बाद में एटीएस ने। कहने का मतलब ये है कि अब तक कुल 10 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इसमें एक पैटर्न जो है वो एनआईए को भी सामने नजर आया है। इसमें एक ग्रुप ऐसा था जो लोगों को रिक्रूट कर रहा था, उन्हें किस तरीके से जो है रेडिकलाइज करके उन्हें कट्टरपंथी बना रहा था, उसके लिए वीडियो शेयर कर रहा था। दूसरा जो एक इसमें मॉड्यूल है ग्रुप जो है वो बम बनाने के बारे में सीख रहा था, कैसे जो है मोटरसाइकिल बम बनाई जाए, डू इट योरसेल्फ के वीडियोस में ये देखा जाए कि हथियार कैसे बनाने हैं। तो पुणे से वो मॉड्यूल बस्ट किया गया जिसमें उनके पास से बम बनाने का साजो सामान बरामद किया गया। और एक तीसरा जो मॉड्यूल था जिसमें जुल्फिकार अली बगोड़ा वाला जैसा एक शख्स था जो लगातार टेलीग्राम के जरिए अपने हैंडलर्स के साथ विदेशों में टच था और यहां पर महाराष्ट्र के अलग अलग अपने गुर्गों को, साथियों को, संदिग्ध आतंकियों को वो निर्देश दिया करता था। तो इससे जो चेन है वो चेन ऑफ ऑर्डर है वो समझ में आती है कि ये इंस्ट्रक्शन पहले विदेश में बैठे अपने आईएसआईएस के हैंडलर से लेते थे और महाराष्ट्र में अपने जो एक ऑपरेशन टीम है उसे देते थे। दूसरी तरफ जो रिक्रूटमेंट टीम है वो लगातार ऐसे युवाओं को ढूंढ रही थी जो इनके लिए काम आ सके। और खासतौर से सबसे बड़ी साजिश ये कि 15 अगस्त और आने वाले जो गणेश उत्सव जैसे जो बड़े त्योहार है वो उनके निशाने पर थे।